नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी आयोग से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। सबसे पहली बात तो ये कि दो वैकेंसी के अभी नोटिफिकेशन आने वाले हैं ऑफिशियल। एक यूपीपीएससी का जो पीसीएस 2022 वाला एग्जाम होगा उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा जनवरी के एंड तक या फरवरी के स्टार्टिंग तक। कुछ और चीजें बताई हैं अध्यक्ष जी ने मीडिया को कि भैया पहली बात तो ये कर देंगे कि परीक्षा में कई सारे पेपर लीक और नकल वकल को रोकने के लिए, ये जो धांधलीबंदी होती है इन सबके लिए अब क्या करेंगे कि जब परीक्षा होगी उससे 2 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड तो आएगा लेकिन आपका एग्जैक्ट सेंटर नहीं बताएंगे। एग्जैक्ट सेंटर 48 आवर्स पहले आपके मोबाइल पे या फिर ईमेल पे भेजेंगे। समझ रहे हैं बात? उसमें ये लिखा हुआ है कि एडमिट कार्ड में आपका जो सिटी है वो लिखा रहेगा और केंद्र का कोड, लेकिन क्या कोड से नहीं पता लगाया जा सकता है? तो ये यहाँ पे थोड़ा सा लूप होगा। खैर, एक आयोग ने अच्छा कदम उठाने की कोशिश करी है। दूसरी चीज ये कि और भी एक वैकेंसी आ रही है, ठीक है, ये वाली वैकेंसी है स्टाफ नर्स पुरुष की, करीबन 448 पद के लिए ये है। ठीक, एक और चीज है कि भैया स्केलिंग और मॉडरेशन के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, बहुत उच्च स्तरीय होगी वो, सालों सदियों जो है उसमें बहस करेगी, तब जाके कुछ रिजल्ट आएगा। क्योंकि ये स्केलिंग और मॉडरेशन वाला केस अभी का नहीं है, 2018 में भी नहीं हुई, 2019 में भी नहीं हुई, फिर 2020 में बोल दिया कि एज पर रिक्वायरमेंट, और अभी तक वो केस चल रहा है, वो मतलब सब सुहा कुछ नहीं किया गया है। मतलब उसमें सिंपल बात ये है, लिखा है उन्होंने कि सारी भर्ती समयबद्ध। समयबद्ध तो चलो मान सकते हैं कि भैया टाइम से तो एग्जाम होते हैं यूपीपीएससी के, और काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट जो है शेड्यूल रहता है, और ये लोग नहीं डिले कर रहे हैं पिछले 2 सालों से, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सिर्फ यही एक अच्छी बात है, दूसरी चीज जो ट्रांसपेरेंसी है बिल्कुल भी मेंटेन नहीं है। मार्कशीट कब दिखाएंगे सर? मार्कशीट नहीं दिखाई गई है अभी तक। अगर लोगों की जो है आप गलत क्वेश्चन दे देते हैं उसका, वो उसके लिए भी बताया है कि भैया जो लोग गलत क्वेश्चन बनाएंगे उनको डिबार कर दिया जाएगा। तो सर बताइए फिर, आरओ यारो 2021 का एग्जाम हुआ, 11 क्वेश्चन उसमें गलत है, उनको वो किसने बनाया, उनकी मॉडिफाइड आंसर की कब आएगी, और उनमें से किसने बनाया था, तो उसको डिबार करके प्लीज ट्रांसपेरेंसी के साथ दिखाइए, अपनी अकाउंटेबिलिटी तो रखिए कुछ स्टूडेंट के साथ। एक और चीज कह रहे हैं कि जब भी एग्जाम स्टार्ट होगा उससे पहले पूरी प्रोसेस बना देंगे, भैया भर्ती पूरे कितने दिनों में होगी। ये तो खैर ठीक है, काम तो काफी तेजी से कर रही है यूपीपीएससी आयोग। एक और चीज है कि भैया कोई भी एकल स्तरीय परीक्षा नहीं होगी, मतलब सिंगल स्टेज नहीं होगी, ताकि किसी तरह की धांधली वांधली ना हो सके। या तो 2 स्तरीय होगी मतलब जैसे आरओ होता है प्री और मेंस, या 3 स्तरीय होगी जैसे जो है आपका पीसीएस होता है, 3 स्टेजेस में। एक और चीज है कि 2022 के लिए अभी तक अध्याचन आए 68, ठीक है, इसका यह मतलब नहीं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी इतने ही आएंगे। मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा आने चाहिए, क्योंकि पोस्ट 2021 वाली भी बची हुई है। 2021 में कई सारी पोस्ट जो थी जिनके अध्याचन नहीं मिल पाए, इसी चक्कर में 2021 की पूरी पोस्ट नहीं पढ़ पाई है, तो वो वाली पोस्ट कहां जाएंगी, वो 2022 में ही आनी चाहिए। ठीक है, एक और चीज है कि आरओ यारओ में भी बहुत वैकेंसी है, आप अगर पता लगाएंगे, आपको जो भी अगर कोई सोर्स जो लोग जानते होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे वो जानते हैं कि आरओ यारओ की बहुत वैकेंसी है, उसका अध्याचन अगर आ जाए तो उसकी अच्छी खासी जो है वैकेंसी निकाली जा सकती है। इसके लिए आप अभी देखिए चुनाव आने वाला है, पॉलिटिशियंस का इस समय जो है आप लोगों से थोड़ा बहुत जो है अटकी भी है यहाँ पे कि भैया आप लोग को वोट देना है, थोड़ा बहुत अगर आप इसमें आवाज उठाएं, और प्लस यहाँ भी कम से कम अपना अपना रोष बताएं, क्या कहना चाहते हैं आप, कम से कम यहाँ कमेंट करके बताइए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि जो वैकेंसी है वो क्यों नहीं आ रही है भाई, ये वाली चीज आपको उठानी चाहिए मेरे हिसाब से आरओ यारओ 2022 की। और ये वैकेंसी आएगी कि नहीं ये कैलेंडर में पता चलेगा, कैलेंडर आएगा जनवरी में एंड में। ठीक है, एक और चीज कह रहे हैं कि जो केंद्र में जिसमें गड़बड़ी मिलेगी उसको जो है हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। अरे सर कुछ लिस्ट तो दीजिए, बैन तो आप सबको कर देंगे वो बात तो ठीक है, सीबीआई भी तो इतने दिन से चल रही है, ट्रांसपेरेंसी, ओवर क्वालिफाइड, प्लस बहुत सारे जो स्टूडेंट के इश्यूज होते हैं, कभी जीआईसी प्रिंसिपल के कुछ बदल देते हैं, कभी आरओ में ओवर क्वालिफाइड करके जो है लोगों को नहीं सिलेक्ट किया जाता, ये कई कुछ इश्यूज हैं। स्कूलिंग मैट्रिकुलेशन वाला तो खैर कुछ नहीं हो रहा है उसका, सिंपल बात ये है। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है सब बढ़िया है, कभी संस्कृत आपकी नैया पार लगा सकता है और कभी उसी में 0 भी आ सकते हैं। तो जो चीजें हैं अपनी मजबूती से कट ऑफ से, मतलब ऐसी तैयारी एकदम धुआंधार करो इस बार कि भैया कट ऑफ से 5-10% ऊपर ही लाना। ठीक है, ऑल द बेस्ट है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2022 के लिए हमारा बैच भी चल रहा है, आप चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और नया बैच भी आने वाला है 24 जनवरी 2022 से। सिविल सर्विस के साथ यूट्यूब में जुड़े हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये वाला चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डेली यहाँ पे पीसीएस 2022 के लिए टॉप 50 की बिल्कुल फ्री में क्विज चल रही है, पीसीएस और आरओ 2022 के लिए डेली। दोनों चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, अगर आपको हमारा कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, जैसे पीसीएस 2022 का जस्ट अभी चालू हुआ है, नया बैच भी आने वाला है 24 जनवरी 2022 से, सिर्फ ये नंबर है 8564880530, 9696060897234845, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर।